बेगूसराय में धारा 144 के बावजूद भी चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि चोरों ने बीती रात मेन रोड स्थित प्रभात ज्वेलर्स में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। दुकानदार ने बताया कि चोर दुकान के पीछे से दुकान तोड़कर प्रवेश किए और दुकान में रखे चांदी के जेवरात और तिजोरी का ताला तोड़कर तिजोरी में रखे धन को लेकर चंपत हो गए। सुबह में जब जानकारी मिली तो हम लोग वहां पहुंचे तो दुकान खोलकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, सीसीटीवी कैमरा भी फूटा था। फिलहाल नगर थाना के पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेकर छानबीन में जुट चुकी है। चोरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं, सब निकाल के फेंक दिया गया है, नेकलेस निकाल लिया है, काउंटर पे जो चांदी का जो सामान था वो ले गया है और भी बहुत से नुकसान हो चुके हैं, कैमरा तोड़ दिया है, आप देख सकते हैं कैमरा टूटा हुआ है। चोर पीछे के रास्ता से तोड़ के अंदर घुस चुकी है जेवर की दुकान, लगभग चांदी के जितने आइटम थे वो चोरी कर चुके हैं, काउंटर में जितने थे और कैश थे वो चोरी कर चुके हैं। सच अभी तो नहीं, कैमरा भी नहीं है जो हम देख के बता सकें और बिना जाने कैसे बताएं किसी को। सुबह जी आज सुबह सारा सामान बिखरा हुआ था, इधर से उधर पड़ा हुआ हम देखें, बहुत अजीब लगा, फिर समझ में आया चोरी हो चुकी है मेरी दुकान में। मेरा नाम प्रशांत कुमार सोनी, बेगूसराय से जीवेश तरुण की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज़ चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।